शाजापुर में अपने घर से कॉलेज पढ़ाई करने के लिए निकली छात्रा के लापता हो जाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ग्राम देवला बिहार में रहने वाला ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ गुरुवार को शाजापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और यहां ASP TS बघेल को आवेदन देकर बताया कि उसकी पुत्री शाजापुर के BKSN कॉलेज में पढ़ाई करती है। हर दिन की तरह 4 दिनों पूर्व 18 अक्टूबर को वह घर से कॉलेज पढ़ाई करने का कहकर निकली थी, लेकिन वह अब तक घर नहीं लौटी है। सभी जगह तलाश करने पर 19 तारीख को बेरछा थाने पर शिकायत की गई। परिजनों का कहना है कि उन्होंने बेरछा थाने पर शिकायत की थी, परंतु पुलिस ने सुनवाई नहीं की है। आवेदन में कार्यवाही कर पुत्री को वापस लाने और दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। मामले में ASP बघेल ने बताया कि परिजनों के कथन को लेकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश बेरछा थाना प्रभारी को दिए गए हैं। शाजापुर से हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट। कुछ समस्या लेकर आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चोरडिया, मैं ग्राम देला बिहार रहता हूं और मेरी बालिका बालकृष्ण कॉलेज में पढ़ने आती थी। वो 18 तारीख को सुबह 11 बजे कॉलेज में पढ़ने आई थी, जब से लापता है और मैंने बेरछा थाना पे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो मेरी सुनवाई वहाँ नहीं हो पा रही। आज मैं 4 रोज़ से परेशान हूँ, इसलिए मैं कलेक्टर साहब के SP साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए आया। क्या आश्वासन मिला आप यहाँ आए? अभी तो बोल रहे हैं कि मिल जाएगी, 1-2 दिन में मिल जाएगी। शंका के आधार पर मैंने मेरे साडू भाई ग्राम लसुलिया वाले को थाने पे लिखवाया था, तो वो वहाँ से उनको पकड़ के लाए थे और आज सुबह उन्होंने वापस उसको छोड़ दिया गया थाने पे से। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बालिका मुझे जल्द से जल्द मिले और न्याय मिले। और मेरी भतीजी पढ़ने आती थी शाजापुर, पढ़ने के लिए आई घर से वो, जिसके बाद में ही हमें शाम को पता चला, रास्ता देखा हमने, लड़की घर नहीं आई, तो हमने थाने पे रिपोर्ट लिखवाई और सबने बोला कि आपकी बच्ची आपको हम ढूंढ रहे हैं, आपको मिल जाएगी। 4 दिन से हम रात दिन बैठे हैं थाना पे, हमको यही बोला जा रहा है कि हम ढूंढ रहे हैं आपकी बच्ची, आपको मिल जाएगी। हाँ, 2-2 बजे रात तक बैठे हैं हम, महिलाएं भी बैठी है साथ में, सब लेडी जेंट्स भी बैठे हैं और यही बोलते हैं कि वकील द्वारा आ रही है और आपकी बच्ची को आपके सामने हम पेश कर देंगे। 4 दिन हो गए हैं, कोई आते हैं ना कोई जाते हैं, जिनको पकड़ा था उनको छोड़ दिया, और उसके मासा जी पे हमें शक था, उनको हमने गिरफ्तार करवाया था और उनको भी छोड़ दिया। कौन सी पुलिस आपको आश्वासन दे रही है? कौन से थाना? बेरछा थाना की। जी, आपका नाम? तेजू भाई। बेरछा के देवला बिहार गांव की घटना है, उसमें बालिक लड़की उसी के रिश्तेदार के साथ कहीं गई है और उसकी पतारसी के लिए परिवार से आवेदन दिए हैं। थाना प्रभारी को बताया गया पतारसी करके परिवारजनों के समक्ष पेश करें और उनके जो भी विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करने के लिए निर्देश दिए।